शहर से दूर जंगल में बने हुए फार्म हाउस की खिड़की पर रजत खड़ा होकर अपने बगीचे की ओर देख रहा था। शहर से दूर होने की वजह से फार्म हाउस के चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। इतना सन्नाटा था कि घड़ी की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। बालकनी से आती हुई तेज हवा के कारण उड़ते हुए पर्दों की आवाज उस सन्नाटे में अलग ही खौफ पैदा कर रही थी। ठीक उसी समय घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। रजत को बगीचे में कोई औरत बैठी हुई नजर आ रही थी। जैसे ही उस औरत ने मुड़कर रजत की ओर देखा, उसका भयानक चेहरा देख रजत की चीख निकल गई। उसे यूं चीखते देख उसकी पत्नी मोना उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ रजत, क्यों चीख रहे हो? मोना, वो देखो वहां पर, कहते हुए रजत ने उस औरत की ओर इशारा किया। जैसे ही मोना ने उस तरफ देखा, वहां पर कोई नहीं था। क्या है उस तरफ, क्या बता रहे हो? मोना का सवाल सुनकर रजत गुस्से में बोला, अरे वो देखो सामने कौन है? कोई नहीं है वहां पर। मोना की बात सुनकर रजत हैरानी से उस ओर देखने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था। रजत सोचने लगा कि ये सब क्या है, कौन है वो जो मुझे नजर आ रही थी, कहीं वो। सोचते हुए रजत के सर पर पसीना आ गया। तभी कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। रजत और मोना तुरंत कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा फर्श पर कांच का जग टूटा हुआ पड़ा था। दूर दूर तक कांच के टुकड़े फैले हुए थे। ये अचानक से जग कैसे गिर गया? कुछ नहीं है, देखो वो बिल्ली बैठी हुई है, उसी ने गिराया होगा। कहते हुए मोना कांच बटोरने लगी, मगर वो बिल्ली रजत की ओर घूरती हुए देख रही थी। अचानक ही उसकी सफेद आंखें लाल हो गई और वो रजत पर झपट्टा मारते हुए कूदी। उसे अपने ऊपर कूदते देख रजत की चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहां पर कोई नहीं था। मोना, वो बिल्ली कहां गई? रजत, आज क्या हो गया है तुम्हें? बिल्ली थी, कहीं चली गई होगी, क्यों परेशान हो रहे हो, चलो सोते हैं। कहते हुए मोना उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर लिटा दिया। रजत अभी भी कुछ सोच रहा था। ऊपर चलते हुए पंखे में उसे एक साया नजर आ रहा था। मोना को कुछ भी नहीं बताकर आंखें बंद करते हुए वहीं लेट गया। सारी रात वो भगवान का नाम ले रहा था। मोना उसकी हालत देख मुस्कुरा रही थी। उसने अपने हाथों से रजत के गालों पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें सुर्ख लाल और हाथों के नाखून काले और बड़े हुए थे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर भी पूरे वक्त रजत अनमना रहा और चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था। मोना, मुझे वापस अपने घर जाना है, यहाँ फार्म हाउस पर नहीं रहना है। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। क्या यार रजत, अभी कल ही तो आए हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, मैंने तो पूरा फार्म हाउस ठीक तरह से घूमा भी नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। कहते हुए वो अपनी बड़ी लाल आंखों से रजत को घूर रही थी। अचानक ही उसकी लाल आंखें नॉर्मल हो गई और वो प्यार से मुस्कुराते हुए रजत से बोली, रजत मेरा यहाँ पर रुकने का मन था, इसीलिए मैंने बोल दिया, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो हम लोग वापस शहर चले जाएंगे। वैसे भी इतनी दूर से तुम्हें ऑफिस जाना टफ होता होगा, हम लोग अगले वीकेंड आ जाएंगे। मोना की बातों में ना जाने कैसा सम्मोहन था कि वो मोना से बोला, कोई बात नहीं मोना, तुम्हारा यहाँ पर रुकने का मन है तो हम लोग यहीं रुक लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से ऑफिस कितना दूर है, अभी जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कहते हुए रजत ऑफिस के लिए निकल गया। उसे जाते देख मोना रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। रजत ऑफिस में पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि आज ऑफिस में नई जॉब के लिए इंटरव्यू है। उसकी बात सुनकर रजत ने कहा, एक एक करके सभी कैंडिडेट को अंदर भेज दो। रजत के कैबिन में उसके साथ दो लोग और इंटरव्यू ले रहे थे। एक दो कैंडिडेट के बाद एक मासूम सी लड़की रजत के कैबिन में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर बहुत ही सौम्यता थी, येलो रंग की लॉन्ग कुर्ती, उसके नीचे गुलाबी लेगिंग्स, साथ ही हाई हील, चेहरे पर लिपस्टिक और काजल के अलावा कोई और मेकअप अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले की नजर उसी पर टिक जाए। उसकी आवाज में जो कशिश थी उसमें खोकर जैसे ही रजत ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई
सामने खड़ी लड़की को देखकर रजत के चेहरे पर पसीना आ गया। वो रजत के जवाब का इंतजार किए बिना कैबिन के अंदर दाखिल हो गई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रजत के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वो मन ही मन बोला, हूबहू वही चेहरा, वही शरीर की बनावट, कहीं वो तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो डर के कारण कांप रहा था। एक पल भी उस लड़की के सामने नहीं बैठ पाया और अपनी चेयर से उठ गया। एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग इंटरव्यू कल करेंगे, कहता हुआ रजत वहां से उठकर बाहर निकल गया और सीधे अपने फार्म हाउस पहुंचा। वहां पर मोना उसे इतनी जल्दी ऑफिस से आया देख हैरान थी, मगर रजत ने उससे कुछ भी बात नहीं की और सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया। अपनी अलमारी खोलकर वो कुछ ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक फोटो फ्रेम मिली जिस पर उसी लड़की की तस्वीर थी। वो लड़की तो बिल्कुल मानसी की तरह दिख रही थी, कहीं वो मानसी ही तो नहीं। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैंने मानसी को अपने हाथों से मारा है, फिर वो कैसे जिंदा हो सकती है। नहीं नहीं, ये मेरे मन का भ्रम होगा। हाँ, मेरे मन का भ्रम है ये, कहते हुए रजत ने अपने हाथ में रखी हुई फ्रेम फेंक दी। फ्रेम जमीन पर गिरती उसके पहले ही मोना ने उस फ्रेम को पकड़ लिया। कौन है ये, किसकी तस्वीर को तुम यूं फेंक रहे हो, कहते हुए मोना का चेहरा अचानक से सफेद हो गया था और आंखों की जगह काले गड्ढे। वो उस तस्वीर को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे आगे बढ़ते हुए देख रजत डर के कारण पीछे हो रहा था। अब डर लग रहा है, पहले क्यों नहीं किसी को मारने में डर लगा, क्या गलती थी मेरी, क्यों मारा मुझे। मोना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, होश में नहीं हो क्या। होश तो मुझे जब आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी रजत, मैंने अपना घर परिवार छोड़कर तुम पर भरोसा किया, मगर बदले में मुझे क्या मिला, एक गुमनाम मौत, मेरी लाश का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, इसी कारण आज भी मेरी आत्मा भटक रही है, मगर अब मेरी आत्मा को मुक्ति जरूर मिलेगी, तुम्हारी मौत के बाद मैं खुद को मुक्त कर दूंगी, कहते हुए मोना धीरे धीरे रजत की ओर बढ़ने लगी। मानसी, तुम इसका मतलब आज मेरे ऑफिस में भी तुम ही आई थी। मानसी, मुझे माफ कर दो, तुम्हें क्या मिलेगा, मैं पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लूंगा और तुम्हारी लाश का बकायदा अंतिम संस्कार भी कर दूंगा, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी मोना एकदम से नॉर्मल हो गई और उसके पास वही मानसी नजर आने लगी। दोपहर में जो इतनी खूबसूरत लग रही थी अब उतनी ही भयानक नजर आ रही थी। बिखरे हुए बाल, चेहरे और हाथ पैरों पर मिट्टी, शरीर गला हुआ, आंखें सफेद, उसे देखकर ही रजत डर से कांप रहा था। रजत की आंखों के आगे कुछ दिन पहले का मंजर नजर आने लगा। मानसी, I love you too, रजत। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। What? देखो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, पर इस बच्चे की प्रेगनेंसी तुम कंटिन्यू नहीं कर सकती। What? इतना बड़ा धोखा? मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी, ऑफिस में भी तुम किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियों को सीधा कर चुका हूँ, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें। मैंने तुमसे पैसे के लिए प्यार नहीं किया, कहते हुए वो जाने लगी तो रजत ने पीछे से उसके सिर पर बांस मार दिया। मानसी वहीं मर गई। उस समय रात के 11 बज रहे थे। रजत ने उसकी लाश अपने फार्म हाउस में ही दफना दी। आज वही मानसी फार्म हाउस में उससे बदला लेने आई थी। रजत मानसी से बचने के लिए जैसे ही भागने लगा, मानसी ने एक झटके से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। मानसी की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई है। घड़ी में ठीक रात के 11 बज रहे थे।